अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम मैम। पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं? हाँ जी देखते हैं। आजकल कौन सा देख रहे हैं मैम? आजकल तो अभी कोई भी नहीं देख रहे हैं। अभी तो कोई नहीं देख रही। आजकल कोई नहीं देख रहा। तो पहले कौन सा देखा था? आखिरी कौन सा देखा था? अभी लास्ट कौन सा देखा था? लास्ट देखा आपने? पूछ उनसे रहे। अभी याद नहीं मुझे। ठीक हो गया मैम। थैंक यू सर। मैम पाकिस्तानी ड्रामास देखते? जी देखते हैं। कौन सा आजकल देख रहे हैं? सिनफ़े आहन देख रहे हैं। देखते तो वैसे काफ़ी ज़्यादा ही। काफ़ी ज़्यादा। सिनफ़े आहन का मैम क्या मैसेज है ओवरऑल, आपको क्या लग रहा है? वो आर्मी के बारे में बता रहे हैं कि कितना ज़्यादा मतलब हमारे मुल्क के लिए कर रही है सब कुछ, बच्चियों के लिए मोटिवेट करने का, उनका जो माहौल है बच्चियों के लिए सूटेड है वो। आप मतलब ये कि बहुत सेफ है सबके लिए, गर्ल्स के लिए भी और कंट्री के लिए भी। अच्छा मैम, पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ घर की जो लड़ाई झगड़े हैं, सास बहू के झगड़े होते हैं, इसके ऊपर भी ड्रामे बनाते हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आजकल जो ड्रामे बाकी बन रहे हैं तो वो तो बिल्कुल गिरे हुए हैं, मतलब मोराल नीचे बहुत डाउन है पाकिस्तानी ड्रामे। हाँ बस एक दो ड्रामे हैं जो देखने के काबिल हैं, बाकी तो आप क्या चाहती हैं कि क्या चेंज होना चाहिए ड्रामा इंडस्ट्री में? इसके अंदर ये होना चाहिए जो हमारी रवायात है उसके मुताबिक ड्रामा बनाना चाहिए। अब जैसे ये कि एक लड़की की शादी हो रही है तो उसी की बहन दूसरी उसको तलाक करवा के दोबारा से फिर शादी करवानी, ये तो हमारे है ही नहीं ना, इस्लाम में भी नहीं है इस तरह से। मतलब थोड़ा दीन की तरफ भी लाया जाए, जैसे कि टर्किश ड्रामाज में दिखा रहे हैं, तो इस तरफ मतलब ला के कुछ लोगों को मैसेज देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। पाकिस्तानी ड्रामास देखते? जी बिल्कुल देखता। कौन सा? फासिक देख रहे हैं। फासिक देख रहे हैं मैम। फासिक में एक ही घर से दो लड़कियों से शादी कर ली, क्या लगता है आपको क्या होगा? शादी में तो एक ही से होगा। अच्छा देखिए, कर तो दो से ली ना उसने, दो से कर ली, लेकिन पहले वाली से ही पहले से तलाक हो जाएगी, शादी उमेर से हो जाएगी। अच्छा ये मतलब पहले ही करवा देते फिर उमेर से शादी? बस डायरेक्टर हमारे घर का नहीं है ना। अच्छा सर, पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में कहा जाता है कि ये ज़्यादातर तलाकें और सास बहू का मतंजन और लड़ाई झगड़े ये दिखा देते हैं, आप क्या कहते हैं इसे? असल में बात ये है कि इस वक्त जो है ना, अभी स्ट्रीमलाइन, क्योंकि पीछे से हम तो फॉलो करते हैं इंडिया को, तो इंडिया से वो अब सिस्टम आता है तो यहाँ आता है, वो फैशन आता है तो पहले वहाँ होता है फिर यहाँ आता है फिर आगे जाके एक्सपायर होता है। अच्छा, तो अभी वो जब चल रहा है तो जिस तरह हॉट केक बना हुआ है उसी तरह से, मतलब ये ठीक शूट हो रहा है पाकिस्तानी ड्रामा? नहीं, मैसेज फुल ड्रामा होने चाहिए उनका। अच्छा। कोई मैसेज होना चाहिए ड्रामा में, मतलब आप चाह रहे हैं मीनिंगफुल, जैसे मीनिंगफुल होने चाहिए। ठीक, हम टीवी के जो ड्रामा चल रहा है काफ़ी मशहूर है, मशहूर हो रहा है परीजात जो हो रहा है, तो मैसेज जो है वो कन्वे होना चाहिए। बट परीजात में क्या मैसेज था सर? परीजात में दिखाया है कि वो एक सिंपल सा गाय है और उसने जो है ना इस तरह से मसलन अल्लाह ताला ने उसको कहा कि ग्रूम हो गया वो। आजकल जो चल रहा है कि सिस्टम के जहाँ पैसा, जहाँ पे फेमस, जहाँ पे फेम है, पैसा है, लोग अपने से ऊपर की तरफ भाग रहे हैं। ठीक हो गया सर, थैंक यू। कौन सा ड्रामा देख रहे हैं आजकल? सिनफ़े आहन। क्या देख रहे हैं सिनफ़े आहन में? सिनफ़े आहन में बहुत फनी फनी सीन है और वो उससे एक इंस्पायरेशन भी मिलती है। क्या? के आर्मी में जाना चाहिए बच्चों को। वो तो लड़कियाँ जा रही हैं, आप क्यों देख रहे हैं? बस मजा आता है देखने में। अच्छा। आपने जाना आप जाना चाहते हैं आर्मी में? हाँ जी जाना चाहते हैं। कब? बड़े होके। अच्छा अभी आप बड़े नहीं हुए? अभी तो छोटे हैं। अच्छा अभी आप छोटे हैं। अच्छा कोई पोएम सुनाएं, कोई नात सुनाएं, कुछ सुनाएं जरा आप चैनल के लिए, क्या सुनाएंगे दोनों मिलके एक साथ एक आवाज में? अच्छा जी, हाँ सुनाओ, गाना सुनाओ, कोई मसला नहीं। अच्छा चलो जैन, चलो जैन सुना लेते हैं। जाना नहीं है, गाना सुनाना है। चलो का मतलब ये है उसका, पता लगे चलने शुरू कर दो। चलो आप शुरू करो, फिर ये साथ शुरू हो जाएगा ना। हो गैर कानूनी यार मेरे वम दे फिर दे रातानु गैरी दरी दरी कंदे ने हो या की हरातानु ओ गैर कानूनी यार मेरे वम दे फिर दे रातानु गैरी दरी दरी कंदे ने हो या की हरातानु। इतना ही आता है अब मुझे, नहीं आता क्या? कौन सा ब्राउन मुंडे देसी चगी ता ट्रैप च पी ता सिर काटे काट दे स्पीकर च वज दे ने ब्राउन मुंडे ब्राउन मुंडे। ठीक हो गया।
आप क्या कहते हैं सर ड्रामा जी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो ड्रामास हैं पाकिस्तान में जो चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज्ड ड्रामा हो चुके हैं, जिसमें म्यूज़िक बहुत ज़्यादा ऐड हो गया है और उसमें एक सीन के बाद गाना डाल देते हैं या राहत फतेह अली खान की अस्थाई डाल देते हैं, बिल्कुल वो आ जाता है। जो नेचुरल एक्सप्रेशंस हैं वो मिसिंग है, जो पहले पीटीवी के ड्रामास में होते थे, तो वो एक पावरफुल एक्टिंग का जो पार्ट है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है, तो उसको ज़्यादा चाहिए कि वो एक्सप्रेशन के साथ ज़्यादा उसको आगे लाना चाहिए। कहना चाह रहे हैं कि एक्सप्रेशन से बढ़ाएं ना कि सॉन्ग से बढ़ाएं। बिल्कुल ठीक हो गया सर, थैंक यू थैंक यू। साइंस ड्रामा देखते पाकिस्तानी ड्रामा एक दो देख लेते हैं। एक दो कौन सा देख रहे हैं आजकल? आजकल वो एक दो बेकार सा ड्रामा परिजात वो देख रहा हूँ। अच्छा तो क्यों देख रहे हैं अगर बेकार है तो? बस वो शुरू कर लूँ फिर मैं छोड़ता नहीं हूँ। अच्छा पूरा देख के छोड़ता हूँ। ऐसा क्या लगा आपको कि वो आपको लग रहा है कि बेकार है? उसमें कोई ऐसी अच्छी कोई स्टोरी नहीं है कोई इतनी ना कोई मैं तो समझ नहीं आई इतनी फजूल सा है। इतना फजूल भी नहीं है लेकिन जितना नाम उसका हो गया वैसे तो वो काफी फजूल है। अच्छा काफी फजूल लग रहा है तो मतलब ये जो वो दिखा रहे हैं ये लोग जो जा रहे हैं सारे फजूल काम कर रहे हैं, ड्रामा इतना फजूल है? देखें जी हर बंदे की अपनी पसंद होती है ना। अच्छा, मेरी अच्छा, पसंद के मुताबिक नहीं है। पसंद के मुताबिक नहीं है तो आप क्या चाह रहे थे कि परिजात को क्या होना चाहिए उसमें? फ्लाइंग जेट तो क्या होना चाहिए? देखें जी ये तो आप देखें जो स्टोरी होती है ना उसमें थोड़ा ये होता है कि थोड़ा सच्चाई के करीब होनी चाहिए ना। जी जी। अब एक बंदा वो ऐसे इसको पकड़ के जनाब ठीक है जी तुम ये सारी के मालिक बन गए हो सारा, तो एक ये चीज थी इसमें जो समझ नहीं आई है। दूसरा ये है कि हाँ वो अच्छा है कि वो ठीक है जी गरीबों की मदद कर रहा है, जिसकी जो हेल्प है वो कर रहा है ठीक है। पुराने लोग इतना कोई बहुत अच्छा ड्रामा नहीं है। पुराने दोस्त जो थे जो बिछड़ गए वो अचानक से उसको कराची में मिल गए सारे के सारे, सारे एक साथ कराची आ गए, आप कह रहे हैं ये भी गलत है? देखिए ना इस्लामाबाद का था, इस्लामाबाद से बिछड़ा वहाँ पे सारे कराची मिल गए उसको, ये भी इत्तेफाक हुआ ना। ठीक कह रहे हैं आप लेकिन कोई खास ड्रामा नहीं है इतना जितना यानी कि उसका हवा बना है ना इतना अच्छा ड्रामा नहीं। आपकी नजर में कौन सा अच्छा ड्रामा था जो खास था जो अच्छा लगा आपको? मेरी नजर में जी मुझे एक तो मेरे पास तुम हो अच्छा ड्रामा था। अच्छा ड्रामा था। कई ड्रामास देखते? जी देखते हैं। कौन सा देख रहे हैं आजकल? आजकल परिजाद और सिंफ आहन। अच्छा। और परिजाद का क्या एंड लग रहा है आपको? परिजाद का हैप्पी एंडिंग है पता चल चुका है सबको, कल सिनेमास में लग चुका है। अच्छा आप नहीं गई देखने? नहीं। अच्छा तो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के बारे में ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये बस सास बहू के झगड़े और इस तरह की चीजें दिखाते हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? एक्चुअली मोस्टली लव स्टोरीज को जो है वो दिखाया जाता है, प्रमोट किया जा रहा है। उसके अलावा सास बहू का थोड़ा पहले होता था, वो थोड़ा कम हो चुका है, बट अब लव स्टोरीज आ गई हैं। ठीक है तो आप क्या चाह रही हैं क्या होना चाहिए ज्यादातर? वो इश्यूज जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं एक्चुअली में उनको दिखाना चाहिए। लव स्टोरीज एग्जिस्ट नहीं करती आपका मतलब? आई थिंक करती हैं बट वो लव स्टोरीज देखे हमारी यंग जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे हो रही है कि हाँ लव स्टोरीज बहुत कोई मतलब उसको बहुत ज़्यादा वो लोग लेते हैं सीरियस लेते हैं और फिर एक्चुअली अपनी लाइफ में भी वो ऐसा ही जो है वो देखना चाह रहे होते हैं लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है ना। ठीक हो गया तो आप क्या चाहती हैं क्या मैसेज होना चाहिए ड्रामों पर क्या क्या हो? एक्चुअली जो हमारी लाइफ के बेसिक जो कुछ चीज़ें होती हैं विमेन एम्पावरमेंट दिखानी चाहिए। ठीक है आहन में दिखा रहे हैं हाँ वो बहुत अच्छा है मैं देख रही हूँ। ठीक ठीक। उसके अलावा रोती धोती औरत नहीं दिखानी चाहिए क्योंकि औरत इतनी कमज़ोर नहीं है। औरतें रोती क्यों हैं जो दिखानी पड़ जाती हैं? एक्चुअली थोड़ी सी उनका दिल छोटा होता है लेकिन इसका ये तो नहीं है कि हर वक्त वो रोती रहती है, उसको स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए। अच्छा तो अब मेरे हिसाब में जैसा औरत घर में रो रही हो वो आप कह रही ना दिखाएं? बहुत ज़्यादा नहीं दिखाएं, बहुत ज़्यादा ना दिखाएं, बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। हस्ती खेलते तो मैंने यहाँ पे पार्क में देखा हस्ती खेलती औरतें नहीं हैं, सारे सीरियस हैं। सीरियस हैं बट रोती भी नहीं है। ठीक लेकिन इतनी सीरियस पार्क में आके क्यों हो जाती हैं फैमिलीज? सीरियस हैं नहीं दे आर एंजॉयिंग दे आर एंजॉयिंग एक्चुअली। मैंने तो एक को भी नहीं देखा, मैं जिससे इंटरव्यू को कहता हूं कहती सॉरी नहीं। अच्छा आई डोंट नो कि वो ऐसा क्यों कह रही हैं। देखिए मैंने अभी आपके यहां से तीन बंदों से पूछा उन्होंने कहा सॉरी। उनके कुछ होंगे अफेयर्स कुछ